मतलब पब्लिक को तो जो फील आई आई, आप दोनों को इस गाने का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? What did you feel the most? Is like the most exciting and love वाली feeling थी. Obviously आरी जी सिंह की आवाज पहला नंबर है, दूसरे नंबर वैभव की मर्चेंट का कोरियोग्राफी है, बट बंटी और पब्लिक के लिए. मुझे इस गाने में सबसे जो कमाल की चीज है या सबसे जो बेहतरीन है वो शर्करी लगी. नहीं वो मैं आपके पोस्ट फॉलो करता हूँ पब्लिक को कौन नहीं कर रहे ना. बहुत मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा एफर्टलेस. मेरा पहला रोमांटिक गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में और इससे ज्यादा टैलेंटेड सुंदर और इतनी खूबसूरत नहीं है. और इन्होंने बस काम आसान कर दिया, मतलब हर कण कण से लव जू निकल रहा था. तो मेरे लिए बड़ा मतलब मेरे लिए तो आई थिंक शी इज नाउ शर्मरी. मैं को इसी में सवाल करना है, बट इन पब्लिक इज अबाउट द पीपल जो लोगों को कॉल करते हैं during the whole set of like you know shooting ke dauran abhi baat karte dauran kahin pe ek baar bhi aapko aisa lage that he is calling you baaton ka makkhan maar ke sach batau bata de thanks to tune jana se bilkul nahi. I think through the film hum actually Banti Bagli jaise unit the, jaise gaane mein bhi jo bachata part humne kiya hai and in fact हम जब train कर रहे थे उसके लिए हम बस एक दूसरे के पैर में मतलब पैर जा रहा था, सबसे पहले हाथ लग रहे थे, इसको elbow हो रहा था, but I think eventually हमें वो सब समझ आ गया था and we were really a unit like Banti Bagli and we performed like that every song, every scene, everything. Wow, nice. 2 साल के बाद वाकई एक दिवाली get together हो रहा है. 2 साल के बाद हम अपने मीडिया दोस्तों से मिल रहे हैं. 2 साल के बाद किसी भी फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज होने वाला है. So basically, this is a huge Diwali bonanza and a huge Diwali get together. What's the feeling? आप लोग कैसे हैं? देखिए 2 साल हो गए हैं, मेरी पहली फिल्म आई थी. काफी आप लोगों ने प्यार दिया, काफी सराहा है मेरे जो भी मैंने सपने देखे थे वो पूरे हो गए पहली फिल्म के बाद. और फिर अचानक से एक सन्नाटा सा आ गया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. और मैं वेट कर रहा था ये फिल्म, बहुत एक्साइटेड था. बंटी और बबली, यशराज, आदि सर, यू नो रानी मैम, सैफ सर एंड शर्वरी, इट्स यू नो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. बट जो 2 साल बीते हैं वो मतलब हर दिन मैंने वो कैलेंडर देखा है कि यार कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा. बोला है अपना टाइम आएगा लेकिन कब आएगा, कब आएगा. तो वेट करते करते फिर मैंने जब ट्रेलर देखा मैंने बोला चलो भैया सही है, दिवाली पे आ रहा है. जो 2 साल में भर के रखा था ना अंदर का लावा वो भर के बाहर आएगा. आपको एक नहीं मैं अनेक कैरेक्टर्स में दिखूंगा. इसमें सुतली बॉम्ब भी है, रॉकेट भी है, हर किस्म का मतलब अलग अलग किरदार है, अलग अलग एक्सेंट्स हैं, प्रोस्थेटिक्स हैं, आपने देखे होंगे अलग अलग रूप में. तो मैंने जो 2 साल की भड़ास है वो इसी में निकाल ली. 2 साल में लोग 2-3 फिल्में करते, मैंने एक फिल्म में 4 कैरेक्टर्स कर लिए. क्या मेरे लिए तो बहुत बड़ी ये चीज़ है. मुझे मालूम है आपको तो मज़ा आएगा क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया ये करने में. और शर्वरी से सुनते हैं, पहली फिल्म है उनकी, उनका डेब्यू है. तो वो भी बबली, बबली एक ऐसा आइकॉनिक किरदार जो कि बिम्मी त्रिवेदी अब तक कर रही थी लेकिन अब आप करने वाले. माई क्वेश्चन टू यू ऑन दिस इज कि आप लोग इस फ्रेंचाइजी में प्रोज के सामने कौन बनेंगे, कैसा था उनके साथ काम करना, समझना, स्पेशली बबली के लिए सीनियर बबली से किरदार को जानना, हाउ वाज द फीलिंग? आई थिंक रानी मैम सैफ सर दोनों देयर टेक्स्ट बुक. मतलब आप स्कूल में कैसे जाते हो और टेक्स्ट बुक में सब इंफॉर्मेशन होती है कि अच्छा हिस्ट्री में ये आने वाला है, देयर टेक्स्ट बुक. हमने आई थिंक फर्स्ट टाइम जब हम उनके साथ काम कर रहे थे एक्चुअली हमारी ये बात भी हुई थी, हम बोल रहे थे कि यार यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम रानी मैम और सैफ सर के साथ एक सीन में खड़े होने वाले हैं. बट फिर हम लोगों ने बोला नहीं ये सब नहीं सोच सकते, डट के वी वर लाइक चलो वी आर अगेंस्ट देम. बट उनसे जितना सीखने को मिला वो आई थिंक 4-5 फिल्म या उससे ज्यादा भी हमें सीखने ना मिले, वो हमने एक पहली फिल्म में कुछ सीन्स करके उनके साथ सीख लिया है. तो ऑफ कोर्स हम उनके अगेंस्ट फिल्म में जरूर है पर उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है. क्या बात है, वेरी हम्बल. देखिए अभी क्योंकि हमने ये बात करी 2 साल पहली फिल्म है ना, पहली फिल्म है ना. 2 साल के बाद क्योंकि अभी आपने जब बात करी बंटी उस समय मैं आपको जब सुन रहा था मुझे एक चीज समझ में आया, 2 साल किसी चीज को रोक के रखना एक बहुत टफ चैलेंज होता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. बट इन 2 सालों में एज अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल बहुत सारे लोग इवॉल्व भी हुए, उन्होंने अपनी नई क्षमता को जानी एंड ऐसा आपके साथ हुआ. आप तो इतने हाइड्रोफोबिया को
खत्म कर दिया. Were you aware about this bubbly? बंटी I was. Were? You were? I was. हम साथ में रिहर्स करते थे, हमें अंडरवाटर सीक्वेंस के लिए ट्रेनिंग करनी थी, हम जेट स्कीइंग करने गए थे, हम यॉट में थे. तो आई थिंक आई वाज विद सिद्धांत. मुझे याद है सिद्धांत का एक सीन था पानी में से ऊपर आने का, और उसमें मैं एक्चुअली मेरा शॉट भी नहीं था, कैमरा यहाँ लगा था, मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए यहाँ खड़ी थी ताकि सिद्धांत कंफर्टेबल फील करे और ऊपर है. बट आई हैव टू से अगर मुझे किसी बात का फोबिया होता मैं इतने अच्छे से शायद ना कर पाती जितनी मेहनत सिद्धांत ने डाली है और इतना एफर्टलेस लग रहा है ये करते हुए. आई मीन ऐसे लग भी नहीं रहा है कि उसको हाइड्रोफोबिया. तू झूठ बोल रहा है क्या सिद्धांत? हाइड्रोफोबिया खत्म करना आपके लिए कितना भारी सीन रहा? यार मतलब क्या बताऊं, मैं ऑलरेडी सुन के डर गया विजुअल्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में. लेकिन हाँ मतलब करना है तो करना है. वैभवी मैम थी जो काफ़ी सपोर्टिव थी और उन्होंने पूरा मतलब यू नो उनसे बात की कि क्या है, स्विमिंग क्लासेस किए मैंने और जिंदगी में पीछे नहीं जाना ना, आगे ही जाना है. यस दो साल की चीज़ें रुक गई थी लेकिन हम क्यों रुके, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो आगे बढ़े. और जैसे कि ट्रेलर में कहा है कि अब गेम अप कर दिया हमने, तो गेम अप करना ही था और इसी वजह से मतलब फाइट था बट मजा आया. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अच्छी फाइट है, अच्छी टक्कर दी है एंड फाइनली इमर्ज एज अ चैंपियन एज अ विनर. बट नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस समय सारे हमारे जितने भी फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है और हम ये आपसे जानना चाहते हैं, नॉट एज बंटी और बबली बट एज सिद्धांत एंड शार्वी. आपने इस फिल्म की शूटिंग करी, आपने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा, आप इस फिल्म में लाइक आप जो आपके किरदार उसके खाल के अंदर तक घुस गए, यू वर द सोल. नाउ 19 तारीख को इज द डेट जब ये फिल्म रिलीज होगी, आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है और पब्लिक से क्या एक्सपेक्टेशन है बंटी और बबली 2 को? मेरी पहली पिक्चर है तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स मुझसे खुद से लोगों से बहुत ज्यादा हाई है. पर मैंने मैंने एक्चुअली मैं जब 16 साल की थी तब पहला ऑडिशन दिया था. आई थिंक 6 या 7 साल हो गए ये मेरी पहली पिक्चर है, तो एक बहुत लंबी जर्नी रही है. तो आई थिंक मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक 6 साल के लिए मैंने अपने आप को ये कहा है कि नहीं मेरी पिक्चर आएगी, इस साल आएगी, इस साल आएगी, इस साल आएगी. इसे मैंने बहुत बार बोला है दोस्तों में, एक मजाक बन चुका है, पर इस साल एक्चुअली आ रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरे घर वाले बहुत एक्साइटेड है, आई थिंक वो बहुत इमोशनल है, सब रुके हुए हैं, दोस्त, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन. सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही है कि लोगों को मजा आए, क्योंकि आई फील लास्ट 2 साल काफी अपसेटिंग रहे हैं सबके लिए. तो हम ऐसी फिल्म लेके आ रहे हैं जब आप पूरी फैमिली को लेके जाओ, ये सब भूल जाओ, कोरोना कोविड ये थोड़े टाइम लो, मास्क पहन लो, पर भूल जाओ, मजे करो, एंजॉय करो और फिर गेट बैक टू लाइफ, बट बिल्कुल बहुत जी खोल के हंसना. क्या बात है बंटी, पब्लिक को कैसे ठगने का 19 नवंबर से? आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मतलब जो किरदार था एमसी शेर का वो इतना हावी हो गया था कि सब लोग अब वही एमसी शेर. मुझे लग रहा था जिस तरह से मैंने लाइनअप किया था कि कुछ 6-7 महीने में बंटी बंटी आ जाए, कि लोग अलग अलग किरदार में देख लेंगे, अलग अलग एक्सेंट्स में देख लेंगे. मैं ऐसे ही बात नहीं करता है, मतलब ठीक, मतलब मैं नॉर्मल जो जहाँ से हूँ, मैं यूपी से हूँ, बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, जिंदगी देखी है मैंने, अलग अलग किरदार देखे हैं जिंदगी में. तो मुझे मैं बड़ा ही एक्साइटेड था कि मैं कुछ लोगों को ऐसा दूंगा कि लोग बोले अरे यार ये तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है. लेकिन वही है कि 2 साल काफ़ी बीत गए, लेकिन आई थिंक जो आ रहा है देर आ रहे हैं दुरुस्त आ रहे हैं. एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस जो है जाएंगे, हंसेंगे, मज़ा आएगा और कुछ एक हंसी लेके जाएंगे, क्योंकि इस समय आई थिंक जिस तरह का माहौल चल रहा था पिछले 2 सालों से काफ़ी इंटेंस था. लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, टीवी पे चीज़ें देख रहे हैं, ओटीटी पे देख रहे हैं, काफ़ी नया टैलेंट भी आया है उस वजह से, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हूँ, बिकॉज मैं भी वहीं से आता हूँ, ओटीटी से आता हूँ. और बहुत ये भी एक अच्छी बात है कि नए नए लोग हैं उभर के. लेकिन सर जो मैजिक है ना जादू, वो बड़े भव्य, वो कुछ और ही है. और जब आप लोग जाएंगे यशराज की फिल्म है, क्या बोलूँ आप लोगों को, बस
जरूर बस 19 तारीख के लोग आ जास, अपना बंटी बबली बबलू सबके लेके आ जास, अपना मम्मी पापा सबके, काहे की पारिवारिक फिल्म है, भोजपुरी में काहे बोलते नहीं हमारा नहीं क्या पता, बट जेकरा समझे गा उस समझ, और जिन लोगों ने समझ में आई भोजपुरी उनके लिए ये मेरी तरफ से ये है कि आइए थोड़ा हंसिए, थोड़ा मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, थोड़ा डांस करते हैं, थोड़ा लव और लव जू के कहते हैं लोग, और यस प्लीज कम एंड वॉच दिस फिल्म, हमारे लिए बहुत बड़ी बात, इसकी पहली फिल्म है मराठी मुलगी, तो और सैलानी और सहसर के बारे में हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं, दो इतने साल बाद आ रहे हैं वो लोग, हम खुद एज फैन यू नो हम देख रहे हैं उनको कि यार रानी मैम सहसर, तो ये काफी मतलब मजा आने वाला है यार, और क्या बोलूं मैं, दिया बाकी है इधर।